हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2022 के लिए बेस्ट बुक सिलेक्शन। जैसा कि आपको पता है, रीट 2022 जुलाई माह में प्रस्तावित है और रीट के बाद में एक और अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि मुख्य पेपर होगा। रीट इस बार केवल पात्रता परीक्षा है और हमें जैसे मनोविज्ञान, विज्ञान और गणित और SST वालों को सामाजिक, इनकी तो विशेष तैयारी करनी है क्योंकि ये मुख्य पेपर में भी आवश्यक है। और जबकि लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत, इनको इस प्रकार से पढ़ना है कि ये पात्रता में हमारे लिए उपयोगी साबित हो। तो हम पहली पुस्तक का विश्लेषण करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि धीर सिंह धाबाई सर की है, अवनी पब्लिकेशन की आती है। ये बुक फैक्ट पर आधारित है और अच्छी पुस्तक है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप देख सकते हैं इसमें इसमें लेकिन मनोविज्ञान के लिए एक बार आपको गाइड लेनी होगी, जैसे कि मतलब किसी एक टीचर को फॉलो करके उनको थोड़ा समझना होगा। डायरेक्ट किताब उठाकर आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद में अभ्यास के लिए आप मूमल पब्लिकेशन की आती हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर संग्रह, और एग्ज़ाम की भी आती है। इसमें सभी CTET वगैरह सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए होते हैं। इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। मनोविज्ञान के लिए अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आप कलाम पब्लिकेशन की परीक्षा विशेषांक, इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी अच्छे ढंग से समझाया गया है, क्वेश्चन दिए गए हर चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है इसमें भी। अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 की आती है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और जो वर्तमान की पुस्तक है उसमें थोड़ी त्रुटियाँ, ये पुरानी पुस्तक है, इसका संस्करण 2012 का है। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी पुस्तक है, फालतू की चीज़ नहीं दी गई और अच्छे से समझाया गया है इसमें। और रीट जो कि सिर्फ पात्रता परीक्षा, उसमें हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी में हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है। ज़्यादा डीप में पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अगर आपके सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए, वरना सिर्फ रीट पात्रता के लिए तैयार कर रहे थे, ये बुक आपके लिए सफिशियंट है। और इसके साथ साथ आप लक्ष्य की हिंदी, जैसे आप टॉपिक देखें, जैसे आप, मैं आपको दिखाता हूँ, लिंग, वचन एवं काल, ये वाक्य रचना, ये कुछ टॉपिक इस प्रकार है जो आपको इस लक्ष्य में से पढ़ने चाहिए, इसमें अच्छे से समझाएंगे। और अगर आप शब्दकोश पर ध्यान अधिक देना चाहते हैं तो ये डॉक्टर राघव प्रकाश की व्यवहारिक सामान्य हिंदी, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डीप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हिंदी को देना अच्छा नहीं रहेगा। इसके बजाय आप मुख्य परीक्षा को भी साथ में फोकस करके चले तो अच्छा रहेगा। और अब हम बात करते हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए साफल्यम के लोकेश कुमार शर्मा सर के नोट्स सबसे बेस्ट हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स सबसे बेस्ट हैं। और इसके लिए आपको साफल्यम का कोर्स लेना होगा, ऐसे ही आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपके किसी मित्र ने ले रखा है तो उनसे आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप नोट्स नहीं मिले तो साफल्यम की लोकेश कुमार शर्मा सर की बुक भी आती है, संस्कृत साफल्यम करके, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी पुस्तक है। ये नोट्स का थोड़ा शॉर्ट रूप में, नोट्स में थोड़ा विस्तृत दिया गया है जबकि इस पुस्तक में थोड़ा कम दिया गया है। और शिक्षण विधियों के लिए तो आपको नोट्स ही पढ़ना होगा, साफल्यम लोकेश कुमार शर्मा सर के। और अब हम बात करते हैं विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए कक्षा 10 एवं 9, कक्षा 9 एवं 10 में चलने वाली मेरे पास जो पुस्तक है वो RBSE की है, और इस बार सिलेबस में मेंशन किया गया है NCERT की, जो कि वर्तमान सत्र में चल रही हैं। तो आप
एनसीईआरटी में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया, जबकि आरबीएससी में फैक्ट अच्छे हैं। तो आरबीएससी तो आपको पढ़नी ही है, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। सॉरी दोस्तों, इसका कवर पेज थोड़ा फट गया था। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, 9th और 10th की। और इसमें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिले तो इसके लिए आप ये सामान्य विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया को फॉलो कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बुक है, पूरी तो आप इसमें से नहीं पढ़ पाएंगे और पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फालतू में दिया गया एक्स्ट्रा, इतना हमको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप न्यू दर्पण की एक बुक आती है, वो भी अच्छी बुक आती है, और परीक्षा वाणी की ये पुस्तक अच्छी है। और विज्ञान को तो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट का जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसमें वेटेज अच्छा रहने वाला है। तो आप 9th और 10th की बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ कोई टॉपिक नहीं है तो इस एनसाइक्लोपीडिया से पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ आप न्यू दर्पण की या फिर परीक्षा वाणी की पुस्तक है, और महेश कुमार वर्णवाल की भी आती है विज्ञान की, वो भी अच्छी पुस्तक आती है। और इसके साथ साथ आप कलाम पब्लिकेशन, कलाम एकेडमी सीकर की जो कोचिंग है उनकी है, जीव विज्ञान और रसायन एवं भौतिक विज्ञान, इनकी पुस्तक आती है जो कि क्वेश्चन के आधारित है। इसमें भी टॉपिक वाइज अच्छे से समझाया गया और मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। और अब हम बात करने वाले गणित के लिए, गणित के लिए RS अग्रवाल की पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपको मैथ्स के लिए थोड़ी कोचिंग लेनी होगी, और अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स से है तो आप इजीली अपने आप ही इस पढ़ सकते हैं। नवीन अंक गणित, ये भी अच्छी पुस्तक है। और इसके साथ साथ अगर RS रामनिवास मथुरिया की पुस्तक भी आपको मिल जाए तो वो भी अच्छी पुस्तक है, और RS अग्रवाल भी अच्छी पुस्तक है। और अगर आप 9th और 10th की जो स्कूलों में बुक चलती है वो निकालें तो और भी अच्छा है। और इसके साथ साथ मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधियों के फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। तो आप संस्कृत की शिक्षण विद्या तो आपको साफल्यम की ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे बेस्ट वही है। और हिंदी की चाहो तो आप इसमें से देख सकते हो, और गणित और विज्ञान की भी इसमें देख सकते हो, लेकिन गणित और विज्ञान के लिए मैं आपको रियाज सर को फॉलो करने का बोलूँगा। रियाज सर जो कि पहले उत्कर्ष क्लास है जोधपुर में पढ़ाते थे, वर्तमान समय में मुझे पता नहीं वो पढ़ाते हैं या नहीं, लेकिन उनका खुद का एक ऐप है रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी नाम से है, उस पर रीट का शिक्षण विधियों का कोर्स दे रखा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और रियाज सर के नोट्स बेस्ट है, राजस्थान में सबसे बेस्ट गणित और विज्ञान शिक्षण विधियों के लिए रियाज सर सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप रियाज सर का कोर्स ले सकते हैं, उनके नोट्स पढ़ सकते हैं, संस्कृत के लिए साफल्यम और हिंदी के लिए आप चाहें तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी की शिक्षण विधियाँ संस्कृत के साथ साथ अपने आप ही कवर हो जाती है। और अगर इसके साथ आप और किसी पुस्तक को देखना चाहें तो कलाम की आती है शिक्षा शास्त्र गणित विज्ञान और भाषा शिक्षण की, इसमें सभी भाषा दोनों हैं, हिंदी संस्कृत और उसके साथ साथ गणित एवं विज्ञान, ये पुस्तक भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और उसके साथ साथ अभ्यास के लिए आप मूमल की ला सकते हैं, और एग्जाम रिव्यू जो कि पुराने पेपरों में क्वेश्चन आए वो दिए गए हैं, इसके अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कुछ बुक बताई है, और एक और बुक है लक्ष्य की 100 लोड पेपर। तो पिछले साल के पेपर तो आपको निकाल नहीं है, ये पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे कि पेपर किस प्रकार तैयार होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको लेनी चाहिए। ये वीडियो था कुछ पुस्तक से रिलेटेड, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा रीट के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।